हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज्यादा टेस्टी और एकदम बिल्कुल नए तरीके का यूनिक नाश्ता। इससे पहले जो आपने कभी नहीं खाया होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके आगे बर्गर पिज्जा भी फेल है, इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और सबसे बढ़िया खासियत ये है फ्रेंड्स कि बिल्कुल कम तेल में बनकर रेडी हो जाता है। यही चीज अगर हम बर्गर वगैरह अगर मार्केट से खाते हैं तो वो इतना ज्यादा ऑयली होता है और अनहेल्दी होता है, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये एकदम कम तेल में बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी है फ्रेंड्स, घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने 3/4 कप कच्चे चावल लिए हैं। ये हमने छोटे वाले चावल लिए हैं फ्रेंड्स, जो हर किसी के घर में होते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह के चावल खाते हैं, लेकिन आप चाहे तो बासमती भी ले सकते हैं अगर आप बासमती चावल खाते हैं तो। लेकिन ये चावल ज़्यादा बेटर रहते हैं, इसमें चिकनापन ज़्यादा होता है क्योंकि। तो ये चावल को हम 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो हमने चावल को 3 बार अच्छे से धो लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए, पानी इतना ही हमें इसमें डालना है जिससे कि चावल पानी में डूब जाए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इसे हम एक साइड रख देंगे और आगे तैयार करेंगे। तो गैस पर बर्तन में हम 2 चम्मच इतने कच्ची मूंगफली के दाने लेंगे, थोड़ी देर हम इसे सेकेंगे। तो मूंगफली रोस्ट होने पर इसमें हम 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे 1/4 चम्मच, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसे हमने हाफ कट कर लिया है, 4 से 5 लहसुन की कली ऐड करेंगे। तो इसे भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और इसमें हमें कोई ऑयल नहीं डालना है फ्रेंड्स, बिना ऑयल के ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो इसे हमने रोस्ट कर लिया है, गैस हम ऑफ कर देंगे। इसे हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। उसी बर्तन में हम 1/2 चम्मच ऑयल लेंगे, इसमें हम 1/4 टीस्पून काले सरसों ऐड करेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे। सरसों चटकने पर इसमें हम 1 कटके हुए प्याज और 1 कटके हुए हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर हमने इसको फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम 2 आलू ऐड करेंगे। हमने 2 छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैश कर लिया है। अब अगर आप फ्रेंड्स बड़े साइज का आलू लेते हैं तो आप 1 आलू भी ले सकते हैं। तो 1 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो 1 मिनट हमने आलू को भी इसमें पका लिया है, अब इसमें हम 2 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जैसे भी तीखा खाना पसंद करते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 3 से 4 चुटकी, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट देने के लिए, आप चाहे तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को हम पका लेंगे कच्चापन दूर होने तक। तो ये मसाले को हमने अच्छे से पका लिया है, अब लास्ट में हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो ये मसाला भी हमारा रेडी है, गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे भी ठंडा होने देंगे। अब एक मिक्सर जार में हम थोड़े से हम पत्ते लेंगे पुदीना के। अगर पुदीना के पत्ते आपके पास नहीं है तो इसके जगह पे आप करी पत्ता भी ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट चटनी में बहुत ही अच्छा आता है। अब जो इंग्रेडिएंट्स हमने भून कर रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट देने के लिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप खट्टी मीठी चटनी पसंद करते हो तो थोड़ा सा चीनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चटनी हमने ग्राइंड कर ली है, बहुत ही अच्छे से चटनी बनकर रेडी हो गई है, इसे कटोरी में शिफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी, आप सिर्फ इसी नाश्ते के साथ नहीं, आप किसी भी नाश्ते स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता और सरसों का भी छोंक लगा के डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंपल ही रखेंगे, सिंपल भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये जो हमारा मसाला है उसको हम लेंगे, मसाला ठंडा हो गया है, इसको इस तरीके से गोल करते हुए छोटे छोटे टिक्की की तरह बना लेंगे, देख सकते हैं इसी तरीके से सारे हम रेडी कर लेंगे। तो ये चावल हमारे सोख हो गए हैं,
तो अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे, जो पानी है उसके सहित ही हम इसको डाल देंगे। अगर बाद में हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, अभी नहीं लेकिन कोई पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें चावल को उतनी देर ही भिगोना है जितनी देर हम आलू का मसाला और चटनी रेडी की है, उतनी देर ही हमने चावल को भिगोया है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चावल को हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है, इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, एक चुटकी इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक चुटकी ही ऐड करना है। धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है, इतना ही बैटर हमें चाहिए। देख सकते हैं चम्मच में कोटिंग हो रही है, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और पानी डालने की इसमें कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम एक तड़का पैन में आधे चम्मच ऑयल लेंगे, ऑयल को हम अच्छे से फैला देंगे पैन में। अब इसमें हम थोड़ा बैटर डालेंगे, कुछ सेकंड हम इसको सिकने देंगे। तो कुछ सेकंड सिकने के बाद जो हमने टिक्की बनाई है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से दूसरा बैटर और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है और इसे हम कुक होने देंगे। तो 2 मिनट हमने इसे पका लिया है, अब इसे हम पलटेंगे। बिल्कुल सावधानी से हमें इसे पलटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो दूसरी साइड भी हम इसको सिकने देंगे और गैस की फ्लेम को ध्यान रखें, हमें लो पे ही रखना है। आप चाहें तो ढककर भी इसे पका सकते हैं। तो दूसरी साइड भी हमने इसको सेक लिया है, तो इसे हम पैन से बाहर निकाल देंगे। बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो ऐसे ही हमें सारे रेडी करने हैं, उसी ऑयल में हम बैटर को डालेंगे। सेम वही प्रोसीजर है फ्रेंड्स, थोड़ी देर हमें इसे कुछ सेकंड सिकने देना है। जो टिक्की है हमारी उसके हम इसके ऊपर रख देंगे, ऊपर से बैटर डालेंगे हम। तो सेम उसी तरीके से इसको भी हम सेक लेंगे दोनों साइड से। तो लीजिए, हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में ही कितना यमी लग रहा है, उतना खाने में भी यमी लगता है। जो चटनी हमने रेडी की है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा बना है, एकदम क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को 2 तरीके से खा सकते हैं। वैसे तो आप इसे सिंपल इस चटनी के साथ भी डिप करके खा सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से भी खा सकते हैं आप। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी इसका जो बाहर का कवर है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। इस तरीके से इसे कट करेंगे। अब जो चटनी बनाई है हमने वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी भी बिल्कुल यूनिक है, अगर आप एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बना कर खाना पसंद करेंगे। एक बार जरूर ट्राई करें इस चटनी को। टमाटो केचप हम डालेंगे ऊपर से। थोड़ा सा कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे कच्चा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो इसे इस तरीके से चाट की तरह भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। और चाहे सिंपल तरीके से भी, जिस तरीके से भी आप खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।